देखें, बहुत ही टेस्टी और सुपर सॉफ्ट, ज़बरदस्त। और टेस्ट में भी मैं अभी आपको बताती हूँ कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चॉकलेट स्पॉन्ज केक बनाएंगे। ये हम आज ओवन बेक करेंगे। तो आपको मैंने बहुत दफ़ा पतीले में बनाना सिखाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आपको इजी हो जाए अगर आपके पास ओवन नहीं है। तो चले अब हम इसके लिए इंग्रीडियंट्स नोट डाउन कर लें। अच्छा, आज मैं आपको केक्स की कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे आप लोगों को बहुत हेल्प होगी कि आप एक परफेक्ट केक कैसे बेक करेंगे। एक तो मैंने ये जो केक बना रही हूँ ये 2 पाउंड्स का केक बनेगा आपका जी। ये देखिए, मैंने पहली बात ये कि 2 मोल्ड्स में हम इसको डिवाइड कर लेंगे। 2 पाउंड्स का केक है तो हम इसमें 2 में इसको स्पॉन्ज केक बनाने के लिए 2 मोल्ड्स में डिवाइड करेंगे। दोनों को मैंने अच्छे से बेकिंग वो बटर पेपर लगाकर ऑयल लगाया था पहले, फिर बटर पेपर लगाकर इनको अच्छी तरह से सेट करके मोल्ड को सबसे पहले आप रख लीजिएगा। मैंने भी सबसे पहले मोल्ड को ही सेट किया है ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। अब मैं बाकी इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ, वो आप नोट डाउन कर लें। 2 अंडे लेंगे हम। ये 220 ग्राम मैंने मैदा लिया है ऑल पर्पस फ्लोर। इसके लिए मैंने ये 2 मोल्ड ये लिए हैं, 2 सांचे कप्स लिए हैं। तो मयनिंग कप्स के साथ अगर आप लेंगे तो एक कप है 250 ml का और दूसरा है 85 ml का। तो इन दोनों को मैंने भर कर इससे 220 ग्राम्स का ये हमारा ऑल पर्पस फ्लोर है। शुगर मैंने 1 कप ली है, वही मयनिंग कप, और इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। बगैर ग्राइंड किए आप शुगर नहीं डालिएगा क्योंकि फिर इससे आपका केक का प्रॉब्लम हो जाता है, वो अच्छे से बेक नहीं होता। और ये मैंने 1/4 कप कोको पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर का डालेंगे। 1 चुटकी मैंने नमक की डाली है। चॉकलेट चिप मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। 1/4 कप हमने जो हमारे घर में मलाई होती है बलाई, उसको आप यूज़ करेंगे फ्रेश निकली हुई। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं। और 2 टेबल स्पून हम इसमें मिल्क के ऐड करेंगे, वो भी अगर हमें कंसिस्टेंसी कम लगी तो। और इसके अलावा ये मैंने किशमिश ली है, ये आपकी चॉइस पे है कि आप इसके डालना चाहते हैं या नहीं, या आप स्किप भी कर सकते हैं। तो चलें अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये 1/2 कप मयनिंग कप है, ये हमने ऑयल इसमें 1/2 कप डालेंगे करते हैं। ये हम आज ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे। ये मैंने जग ले लिया है, इसमें हम पहले ऑयल डाल देंगे, साथ ही हम इसमें एग डाल देंगे, कोको पाउडर डालेंगे, और ये बलाई डाल देंगे। चलिए अब हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। देखिए, ये हमने ग्राइंड कर लिया है, सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने इसको ग्राइंड किया है ब्लेंडर में, सिर्फ 1 मिनट के लिए डालेंगे और इसे अच्छी तरह से निकाल लीजिएगा। ये देखिए, मैंने अच्छे से निकाल लिया है। अब हम इसमें शुगर को ऐड करेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके, आराम से आप इसको मिक्स कर लें शुगर को। अब ये हम बेकिंग पाउडर और सॉल्ट ऐड कर देंगे इसमें और इसको भी मिक्स कर लेंगे। बहुत आराम से मिक्स कीजिएगा ऐसे, नहीं तो केक आपका ख़राब हो जाएगा। इसलिए स्पैचुला को आपने इस तरह से चलाना है और स्पैचुला से ही बनाइएगा। अब इसमें हम मैदा ऐसा ऐसा करके स्टेन करके डालेंगे। डाल के मैंने इतना मिक्स करके छोड़ दिया है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून जितना मिल्क ऐड कर देंगे ताकि ये ज़रा स्मूदी इसका सॉफ्ट बन जाए। अभी ये काफ़ी हार्ड है।
ये विदाउट हमने एसेंस बनाया है। इसका टेस्ट आपको एसेंस की जगह बहुत अच्छा लगेगा, प्योर चॉकलेट केक बनेगा ये और बहुत ही मज़े का बनेगा। तो आप भी इसको, अगर आपने एसेंस ऐड करने हैं तो उसकी भी मैंने बाकी रेसिपीज़ में उसको ऐड किया हुआ है, तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। देखें हमारा बैटर इतना स्मूथ होना चाहिए, ये अच्छे से मिक्सअप हो गया है। अब हम इसे किसी मोल्ड में, दोनों मोल्ड्स में ऐड करेंगे हाफ हाफ करके। देखें फाइनली हमारा ये रेडी हो गया है। अब हम इसको अपने मोल्ड्स में ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाफ हाफ करके हम ये एक पाउंड का मोल्ड है और ये आम जो होता है फ्रूट केक वाला वो वाला मोल्ड है, तो इसका आपको इजीली अंदाज़ा हो जाएगा ये एक पाउंड का है और ये आम फ्रूट केक वाला है। अब चले हम बेक करने के लिए रखते हैं। मैंने ओवन को पहले प्री हीट नहीं किया, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ओवन को कितने टेम्परेचर पर हमने रखना है। ये देखिए मैं इस तरह से ये दोनों को बेक करने के लिए रख रही हूँ। जी ओवन को मैंने 250 सेंटीग्रेड पे सेट किया है और 30 मिनट्स के लिए मैंने इसको सेट कर दिया है। इसकी टाइमिंग 30 मिनट्स है और ऊपर वाली ग्रिल मैंने बंद कर दी है, तो आप भी ऊपर वाली ग्रिल बंद कर दिएगा, नहीं तो केक आपका ख़राब हो जाएगा। देखिए बेक केक बेक हो गए हैं। अब मैं आपको इनको चेक करके बताती हूँ। देख लेते हैं कि केक बेक हो गया है। देखें स्टिक पे कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब है कि केक अच्छे से बेक हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं बाहर और ठंडा करते हैं। देखें दोनों केक हमारे बेक हो चुके हैं। अब हम इनको मोल्ड से निकाल लेते हैं, कितने इजीली निकल आया है ये और बहुत ही अच्छे से बेक हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। 30 मिनट्स में बहुत अच्छा बेक हो गया है ये। आपको दिखाती हूँ कि केक माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा सा बेक हुआ है ये हमारा। ये देखें फुल प्रेस हो रहा है ये केक और बहुत ही अच्छा और फ्लफ़ी बना है। इस केक को भी आप देख सकते हैं कि ये फुल प्रेस भी हो रहा है और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छा और स्पॉन्ज केक बहुत अच्छा बना है ये। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा केक बना है, सुपर सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी। और टी टाइम केक के लिहाज हिसाब से तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। देखें बहुत ही टेस्टी और सुपर सॉफ्ट, ज़बरदस्त। और टेस्ट में भी मैं अभी आपको बताती हूँ कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है।